दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे तेकुक यानी वी और जंगकुक की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जब भी ऑप्शन की बात आती है तो दोनों एक दूसरे को ही चुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा ही हुआ था जब जंगकुक को सच में बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि वी ने उनको नहीं चुना था बल्कि किसी और का नाम लिया था। और जब जंगकुक को ये बात पता चली तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंसिडेंट हुआ था जब वी ने जंगकुक को चूज नहीं करा था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ BTS की एक शूटिंग की। दोस्तों, जब भी BTS की शूट होती है तो उससे पहले उनसे पूछा जाता है कि वो किस मेंबर के साथ शूट करना चाहते हैं या फिर किस मेंबर के साथ अपनी फोटोज़ को खिंचवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जब सभी मेंबर्स को चॉइस दी गई थी तो जंगकुक से भी पूछा गया था। ये इंसिडेंट उनके डेब्यू के कुछ साल बाद का है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ उस समय तेओंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, तो उन्होंने सबसे पहले वी का ही नाम चुना था। लेकिन खास बात तो तब हुई जब जंगकुक को बाद में पता चला कि वी ने उनका नहीं बल्कि किसी और का नाम लिया था। तो दोस्तों, सभी मेंबर्स को एक एक चॉइस दी गई थी जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि किसी एक मेंबर का नाम लेना है, पर शॉकिंगली वी ने जंगकुक को नहीं बल्कि RM को चुना था। और दोस्तों, खास बात तो ये हुई कि RM ने भी वी को ही चुना था, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर बन गए। तो दोस्तों, जंगकुक को जब ये बात पता चली तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी बात तो ये थी कि जंगकुक को पता चला कि जब वी से पूछा गया कि अगर वो RM के साथ शूट नहीं करना चाहेंगे तो किसके साथ करना चाहेंगे, तो दोस्तों वी ने दूसरा नाम जंगकुक का नहीं बल्कि जिमिन का लिया था। और जब जंगकुक को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जंगकुक ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सबसे पहले वी को चुना था, लेकिन वी ने जंगकुक को नहीं चुना, जिस बात से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इससे भी ज़्यादा बुरी बात तो ये थी कि जब उन्हें पता चला कि वी से जब पूछा गया कि दूसरी बार कौन सा मेंबर चाहिए, तो उन्होंने जिमिन का नाम लिया। यानी जंगकुक का कहना था कि उन्हें रियलाइज हुआ कि वी की ज़िंदगी में जंगकुक से इम्पोर्टेंट बहुत ही सारे लोग हैं। जंगकुक का ये भी सोचना था कि शूटिंग जैसी छोटी सी चीज़ के लिए भी वी ने जंगकुक को नहीं चुना, इसका मतलब वो जंगकुक को प्रेफर नहीं करते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद वी ने जंगकुक को मना लिया था और उन्हें बताया था कि आखिर क्यों उन्होंने RM को चुना और क्यों उसके बाद जिमिन का नाम लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वी और जंगकुक का ये इंसिडेंट पता था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि ये इंसिडेंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि वी ने जंगकुक को क्यों नहीं चुना होगा। और दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे न्यू इंग्लिश चैनल यानी ग्लोबल केपॉप को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।